अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, वेलकम टू फखर स्टम्प्स फेयर। आज ये लेक्चर नंबर हमारा 7 है। पहले 6 लेक्चर्स जो है हम नंबर कन्वर्जेंस पर कर चुके हैं, तो डिटेल के साथ मैंने समझाया हुआ है। आप पिछले लेक्चर्स गो थ्रू करें, इट विल हेल्प यू अ लॉट इंशाल्लाह। आज के इस लेक्चर में हम डिमिनिश्ड रेडिक्स कम्प्लीमेंट को कवर करेंगे। इसको हम आर माइनस वंस कम्प्लीमेंट भी कहते हैं। बड़ा पेचीदा सा नाम है। रेडिक्स एक्चुअली कहते हैं बेस को। जिस तरह हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो नंबर सिस्टम अवेलेबल हैं जिनको हम कॉमनली डील करते हैं, एक हमारे पास सबसे जो कंप्यूटर में यूज़ होता है सिस्टम डिजिटल नंबर सिस्टम है जिसकी बेस 2 होती है, इसको बाइनरी सिस्टम कहते हैं। दूसरा फिर हमने पढ़ा था इसमें ऑक्टल नंबर सिस्टम जिसकी बेस 8 होती है। इसमें नंबर 10 के फॉर्म में होते हैं, इसमें नंबर 0 से लेकर 7 तक होते हैं। फिर हमने पढ़ा था डेसिमल नंबर सिस्टम, इसमें नंबर 0 से स्टार्ट करके 9 तक होते हैं। फिर हमने हेक्साडेसिमल पढ़ा था, इसमें 0 से लेकर एफ तक होते हैं और एफ को हम 15 कहते हैं। इसकी बेस कितनी होती है 16। इसमें टोटल 16 नंबर होते हैं, इसमें टोटल 10 नंबर होते हैं। ये हमने 4 सिस्टम्स जो है नंबर सिस्टम्स पढ़े थे। अब ये जो रेडिक्स है वर्ड, इसी को हम बेस भी कहते हैं। ये मैं पहले भी आपको मल्टीपल टाइम्स बता चुका हूँ, दीज आर टू एग्जैक्टली सेम। अच्छा, जब हम रेडिक्स कम्प्लीमेंट की बात करते हैं तो याद रखें जो वर्ड कम्प्लीमेंट है तो इसका मतलब नॉर्मली निगेशन के तौर पर लिया जाता है। इसका मतलब यह है कि आप नेगेटिव नंबर से डील कर रहे हैं, और जब हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स होते हैं तो उनको हम साइंड नंबर कहते हैं। साइंड नंबर कैन बी इधर प्लस और माइनस। तो कंप्यूटर जो है आपका, जब उसने नेगेटिव नंबर्स का डील करना हो तो कब डील करता है नेगेटिव नंबर्स को? जब हमने सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल हम करना चाहते हैं 7, लेट्स सपोज ये बेस आपका 10 में ही है, माइनस आप करना चाहते हो लेट्स सपोज 8, ये भी बेस 10 में है। तो यहाँ पर देखें, अब 7 छोटा है, 8 बड़ा है, रिगार्डलेस कि 8 छोटा है या बड़ा है, जब भी आप सब्ट्रैक्शन इन्वॉल्व करते हो तो हमें उसमें नेगेटिव साइन का यूज़ करना पड़ता है। तो कंप्यूटर बेसिकली कंप्लीमेंट का यूज़ करता है जब उसने निगेशन या नेगेटिव नंबर्स को डील करना हो एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर। और इस तरह हम एरर उसमें जो है एरर को डिटेक्ट और करेक्ट भी कर सकते हैं यूजिंग कंप्लीमेंट। अब कंप्लीमेंट जो लेने हैं इसके 2 मेथड्स होते हैं। सब ने सुनना होता है कि यदि हमारे पास एक वंस कंप्लीमेंट होता है, बिकॉज वी आर डीलिंग मेजोरिटी ऑफ टाइम विद वंस कंप्लीमेंट एंड टूज कंप्लीमेंट इन होल कोर्स, यानी पूरे कोर्स में हम बेसिकली वंस कंप्लीमेंट और टू कंप्लीमेंट ही पढ़ रहे होते हैं। तो जब ये रेडिक्स कंप्लीमेंट आता है तो स्टूडेंट बड़े घबरा जाते हैं, तो पता नहीं क्या बला है, ये खा जाएगी कहीं हमें, ठीक है। तो ऐसा कोई मसला नहीं है, रेडिक्स ये जो वंस कंप्लीमेंट और टू कंप्लीमेंट है ये बेसिकली रेडिक्स कंप्लीमेंट से ही डिराइव हुए हैं। तो ये एक स्पेशल केस है, इट इज़ वाइडली यूज इन कंप्यूटर्स और इन डिजिटल लॉजिक डिजाइन कोर्स, लेकिन जो जेनेरिक फॉर्म है वो रेडिक्स कंप्लीमेंट है, बेस कंप्लीमेंट है। अब अगर अपना स्टार्ट करें, बाइनरी से स्टार्ट करते हैं, सबसे सिंपल है। अब बाइनरी में जो बेस होती है वो 2 होती है, तो याद रखें जो रेडिक्स कंप्लीमेंट होता है वो बेस का कंप्लीमेंट है, यानी बाइनरी की बेस 2 है। तो अगर हम 2's कंप्लीमेंट ले रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम R's कंप्लीमेंट ले रहे हैं, यानी R's कंप्लीमेंट रेडिक्स कंप्लीमेंट कंप्यूट का। तो ये बेसिकली आपका रेडिक्स कंप्लीमेंट ही है। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से देखेंगे कि 2's कंप्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं अगर बेस 2 हो। अगर आपके पास बेस 10 है जो कि डेसिमल सिस्टम होता है, तो इसमें कंप्लीमेंट कौन कौन से होंगे? एक इसका 10's कंप्लीमेंट होगा, क्योंकि बेस का खुद कंप्लीमेंट, और फिर एक माइनस 1 करके। जिस तरह देखें ना, बाइनरी की बेस 2 है तो आपके पास 2's कंप्लीमेंट भी होता है और 1's कंप्लीमेंट भी होता है। इस तरह अगर आपके पास बेस 10 हो तो आपके पास 10's कंप्लीमेंट भी होगा और 9's कंप्लीमेंट भी होगा। इसी तरह अगर आपके पास बेस जो है वो अगर आपके पास लेट्स सपोज ऑक्टल है तो आपके पास 8's कंप्लीमेंट भी होगा और आपके पास 7's कंप्लीमेंट भी हो। तो इस तरह आपका ये रेडिक्स कंप्लीमेंट काम करता है। तो अब हम देखते हैं ये डिमिनिश्ड रेडिक्स कंप्लीमेंट क्या है। डिमिनिश्ड रेडिक्स कंप्लीमेंट होता है कि आपने बेस में से एक कम कर देना, यानी अगर आपकी बेस 10 है, आपके पास डेसिमल सिस्टम है, तो हम 9's कंप्लीमेंट कंप्यूट कर रहे हैं। अगर आपके पास बेस ऑक्टल में है तो हम 7's कंप्लीमेंट कंप्यूट कर रहे हैं, और अगर आपकी बेस बाइनरी है, 2 बेस है, तो हम 1's कंप्लीमेंट कंप्यूट कर रहे हैं। यानी बेस में से एक माइनस कर दें उसी को हम डिमिनिश्ड रेडिक्स कंप्लीमेंट या आर माइनस 1's कंप्लीमेंट कहते हैं। आर माइनस 1 कंप्लीमेंट इज नथिंग बट बेस माइनस 1's कंप्लीमेंट। तो हम देखें, हम जब पढ़ते हैं ना डिजिटल सिस्टम्स के अंदर कि 1's कंप्लीमेंट बहुत आसान है, जस्ट फ्लिप द गिवन बिट्स, आपके पास 1's कंप्लीमेंट आ जाएगा। लेकिन जो 9's कंप्लीमेंट है, हम बिट्स को फ्लिप करके नहीं निकाल सकते। इसी तरह 7's कंप्लीमेंट नहीं, उसका एक फार्मूला होता है, तो इसी को हम कहते हैं आर माइनस 1's कंप्लीमेंट या
डिमिनिश रेड इज कम्प्लीमेंट। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक डेसिमल की एग्जाम्पल लेंगे, एक बाउंड्री की एग्जाम्पल लेंगे, और हम डिमिनिश रेड इज कम्प्लीमेंट या आर माइनस वन कम्प्लीमेंट कंप्यूट करें। ये हमारे पास हमने एक डेसिमल की एग्जाम्पल ली है 546700, एक नंबर हमारे पास है बेस 10 में गिवन है, डेसिमल नंबर सिस्टम में गिवन है। अगर हमें क्वेश्चन इस तरह का आ जाए कि फाइंड डिमिनिश्ड रेडिक्स कंप्लीमेंट, या इस फॉर्म में क्वेश्चन आए, या लिखा हो फाइंड आर माइनस वन कंप्लीमेंट, ये दूसरी फॉर्म है, या लिखा हो फाइंड नाइन्स कंप्लीमेंट, ये थर्ड फॉर्म, तो आप इन तीनों में से किसी टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाए तो इसका जो फार्मूला है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लिखते हैं फार्मूला। तो फार्मूला क्या होता है, R, क्योंकि रेडिक्स हम कहते हैं R को, जो कि आपकी बेस होती है, तो यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे कि नंबर किस बेस में गिवन है, 10 में गिवन है, तो हम जनरल फॉर्मूला लिखते हैं, पहले R बेस लिखेंगे, उसकी पावर n, n क्या है, नंबर ऑफ आपके पास डिजिट्स गिवन है, काउंट करें 3 और 3 6, तो इसकी पावर n, स्मॉल n होता है, और इस पूरे नंबर में से हम 1 को कर देते हैं माइनस, और ये हमारे पास जो नंबर आता है ये आता है डेसिमल में। अगर आपको बाइनरी में भी गिवन हो, या आपको ऑक्टल में गिवन हो, या किसी और बेस में गिवन हो, तो यहाँ पर डेसिमल में नंबर हमेशा आएगा। माइनस वन क्यों कर रहे हैं, डिमिनिश का मतलब है कि बेस में से एक कम करना है, तो आर की पावर एन में से हम एक माइनस करेंगे, और इस पूरे में से हम माइनस कर देंगे किसको, ये जो हमें नंबर गिवन था, ये जो नंबर गिवन है इसको हम एन कहते हैं, जिसका हमने आर माइनस वन कंप्लीमेंट लेना है वो एन है, तो इस पूरे नंबर को हम क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, आर माइनस वन कंप्लीमेंट, या नाइन्स कंप्लीमेंट मिल जाएगा, या डिमिनिश रेडिक्स कंप्लीमेंट मिल जाएगा। तो ये फार्मूला है, और ये जेनेरिक फार्मूला है, ये अगर आप ये याद कर लें, वैसे तो गिवन होना चाहिए, अगर नहीं गिवन होता तो आप इसको मेमोराइज कर लें। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले आर की पावर एन, आर हमारे पास क्या है, बेस, तो हम लिखेंगे आर माइनस वन कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, आर की वैल्यू कितनी है 10, टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितनी है आपके पास, यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं गिवन, यहाँ पर हम लिख सकते हैं गिवन डाटा, हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास R 10 गिवन है, N की वैल्यू हमारे पास गिवन है 6, और हमारे पास जो कैपिटल N है 546700, ये गिवन डाटा है, और हमने फाइंड क्या करना है, R माइनस वन कंप्लीमेंट या डिमिनिश कंप्लीमेंट, हम लिखेंगे 10 की पावर 6 जो कि 1 मिलियन बनता है, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 को, और ये किस बेस में आ जाएगा, ये डेसिमल बेस में आ जाएगा, माइनस N, N किस में गिवन है, वो भी डेसिमल में गिवन है। याद रखें कि जो नंबर जिस सिस्टम में गिवन हो उसका कंप्लीमेंट जो होगा डिमिनिश रेडिक्स कंप्लीमेंट या आर माइनस वन कंप्लीमेंट वो भी उसी बेस में होना चाहिए। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करते हुए ये 10 के पावर 6 कितना होता है, 1 मिलियन होता है, यानी 1 के साथ 6 जीरोज होती हैं, ये आपके पास 1 मिलियन, इसमें से एक माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 999,999, इसमें से हम माइनस कर देंगे किसको, 546700, तो ये मैंने यहाँ पर सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर ली, तो ये जो आंसर आएगा ये आपका नाइन्स कंप्लीमेंट है, या आर माइनस वन कंप्लीमेंट है, या डिमिनिश्ड रेडिक्स कंप्लीमेंट आ गया गिवन क्वेश्चन का। ठीक है, तो फिलहाल रिमार्क्स मैंने एंड पर लिख दिए, आर माइनस वन कंप्लीमेंट या डिमिनिश्ड रेडिक्स कंप्लीमेंट ऑफ दिस नंबर इज दिस, तो आपने इस तरह आंसर बॉक्स में लिख देना है। ये आपका होमवर्क है कि आपने आर माइनस वन कंप्लीमेंट या डिमिनिश कंप्लीमेंट या नाइन्स कंप्लीमेंट, नाइन्स कंप्लीमेंट तब होगा जब यहाँ पर बेस 10 लिखी हो, अगर यहाँ पर बेस 8 लिखी हो तो सेवन्स कंप्लीमेंट होगा, ठीक है, अगर 2 लिखी होगी तो फिर वन्स कंप्लीमेंट होगा। तो अब आपने इस नंबर का नाइन्स कंप्लीमेंट कंप्यूट करना है और आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। अब हम यहाँ पर बाइनरी केस लेते हैं, फाइंड आर माइनस वन कंप्लीमेंट ऑफ दिस बाइनरी नंबर, सबसे पहले बेस देखेंगे, बेस आपके पास क्या है, तो हम लिखेंगे गिवन, तो गिवन डाटा में आप लिख लें कि हमारे पास जो R की वैल्यू है वो 2 है, और जो टोटल नंबर ऑफ बिट्स या डिजिट्स हैं कितने हैं, 3 3 6 7, वो 7 है, और हमारे पास जो n नंबर है वो बाइनरी में गिवन है 10। अगर नंबर बाइनरी में गिवन होगा उसका जो डिमिनिश रेडिक्स कंप्लीमेंट है या R माइनस वन कंप्लीमेंट है वो भी बाइनरी में होगा। अब R मत देखें, यहाँ पर R 2 है आपके पास, तो R 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, वंस कंप्लीमेंट, यानी हमने इस नंबर का वंस कंप्लीमेंट लेना है। वंस कंप्लीमेंट तो वैसे भी आपको पता है बड़ा आसान होता है, सिंपल फ्लिप द बिट्स, फॉर एग्जाम्पल ये 1 है इसको 0 कर दें, ये 0 है 1 कर दें, फिर 0 0 और 1 1 1, ये आपके पास आंसर आना चाहिए, ये तो मैं पहले से ही पता है, लेकिन हम प्रोसीजर वो फॉलो करेंगे जिसके फार्मूले में है। अब फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था आर की पावर एन, विच इज एन क्या नंबर ऑफ बिट्स, आर कितना 2, तो 2 की पावर 7 माइनस 1, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये आंसर जो आएगा ये डेसिमल में मैंने कहा था आएगा हमेशा, और आप सिंपल लिख दें 1011। अब हमने इसको सिंपलीफाई कर लेना है, 2 की पावर 7 होता है 128, 128 में से एक माइनस करेंगे तो 127 आ जाएगा,
और माइनस ये नंबर। अब आपके पास ये बेस 10 है, इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो ये मैंने यहाँ पर डिवाइड कर लिया सक्सेसिव डिवीजन बाय 2 और रिमाइंडर नोट कर लिया। तो आप देख रहे हैं आपके पास सारे 1 बन रहे हैं, 1 तो 7 वंस हैं, ये 7 वंस हैं, ये बाउंड्री में आ गया और गिवन नंबर भी किस में था, बाउंड्री में था 1011। अब यहाँ पर मैं दोनों नंबर मेंशन कर लिया, सबट्रैक्शन कैसे करते हैं, 1 में 0 गया 1, 1 में 0 गया 1, 1 में 0 गया 1, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 1 में से 0 गया 1, 1 में से 1 गया 0। तो ये आपका क्या आ गया, R माइनस वंस कंप्लीमेंट और सिंपल वंस कंप्लीमेंट या डिमिनिश्ड रेडिक्स कंप्लीमेंट। अब हमने जो डायरेक्ट किया था उसके साथ इसको कंपेयर कर लेते हैं। तो ये देखें ये हमारा आंसर आ गया और इसको हम इसके साथ कंपेयर कर लें सिंपल, तो ये एग्जैक्टली वही है 0100 और 111। तो हमने जो ये डिमिनिश्ड रेडिक्स फार्मूला अप्लाई करके क्वेश्चन किया ये भी एग्जैक्टली हमारा सेम हो गया। तो इस तरह हम डिमिनिश्ड रेडिक्स कंप्लीमेंट या आर माइनस वंस कंप्लीमेंट कंप्यूट करते हैं। तो ये हमारा बाइनरी का केस भी हमने ले लिया। तो ये जी आपका होमवर्क है, फाइंड द डिमिनिश्ड रेडिक्स कंप्लीमेंट या आर माइनस वंस कंप्लीमेंट। जो स्टेप्स मैंने बताए हैं, जो फार्मूला मैंने बताया है, उस फार्मूले को यूज करके, उस मेथड को यूज करके, वो फार्मूला क्या है, आर की पावर एन माइनस वन माइनस एन, ये है डिमिनिश्ड रेडिक्स कंप्लीमेंट का फार्मूला। इसको अप्लाई करके, और ये हमेशा किस में होता है, ये बेस 10 में होता है। ये नंबर जो गिवन है बाइनरी में हो सकता है, ऑक्टल में भी हो सकता है, हमने कोई ऑक्टल का केस नहीं किया। अगर आपको पास कोई ऑक्टल नंबर गिवन हो, फॉर एग्जाम्पल 1, 5, 7, 3, 2, क्योंकि ऑक्टल में मैक्सिमम नंबर 7 तक जाता है। इसका अगर हमने आर माइनस वंस कंप्लीमेंट निकालना हो तो सेम स्टेप्स हैं। तो इसमें देखें आर की जगह सिंपल वहां पर मैं 2 और 10 यूज किया है, तो यहाँ पर आप 8 यूज करेंगे और बाकी डिजिट्स लिखेंगे, कितने डिजिट्स हैं, 5 हैं, माइनस 1 करेंगे और ये नंबर किस में आएगा, डेसिमल में आएगा। और ये जो गिवन n आपके पास है इसको यहाँ पर लिख दें। अब इस डेसिमल को आपने ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो आप सिंपल सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपका आर माइनस वंस कंप्लीमेंट आ जाएगा। तो ये हमने सारा काम आज कर लिया, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। ये मैं आपको बता देता हूँ कि हमने क्या क्या किया। यहाँ पर देखें, सबसे पहले हमने हम आपको बताया कि एक्चुअली डिमिनिश्ड रेडिक्स कंप्लीमेंट होता क्या है, और बताया कि नेगेटिव और साइन नंबर्स कंप्यूट करने के लिए कंप्यूटर के अंदर या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करने के लिए हम कंप्लीमेंट लेते हैं, और उसमें डिफरेंट आपके पास रिक्वायरमेंट्स होती हैं। कभी आपके पास डिमिनिश्ड रेडिक्स कंप्लीमेंट चाहिए होता है, जिस तरह आपके पास वंस कंप्लीमेंट है, नाइन्स कंप्लीमेंट है, सेवन्स कंप्लीमेंट है, और एट टाइम्स आपके पास टूज कंप्लीमेंट चाहिए होता है, जो कि सब्ट्रैक्शन में बड़ा की रोल प्ले करता है, और एरर करेक्शन और डिटेक्शन के अंदर भी आपके डिमिनिश रेडिक्स कंप्लीमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर हमने उसका फार्मूला डिस्कस किया कि कैसे कंप्यूट करते हैं, एक प्रॉपर डेसिमल में एग्जांपल ली और उसको सॉल्व किया प्रॉपर स्टेप्स के साथ, आपको समझाया, और फिर हमने आपको होमवर्क भी दिया और साथ फिर हमने बाइनरी का केस डिस्कस किया और उसको भी कंप्लीट फार्मूला अप्लाई करके सॉल्व किया, और फिर उसका भी आपको होमवर्क दिया, और साथ एंड पर आपको मैंने ये जो ऑक्टल नंबर सिस्टम है इसकी भी एग्जांपल दी। ये भी आप घर पर ट्राई करें, तो बहुत इजी है, बस आपने थोड़ी सी प्रैक्टिसेस की करनी है। फार्मूला अगर गिवन हो वेल एंड गुड, नहीं तो इतना मुश्किल नहीं, आप मेमोराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम रेडिक्स कंप्लीमेंट देखेंगे, जिस तरह आपका टूज कंप्लीमेंट होता है, टेंस कंप्लीमेंट होता है, एट्स कंप्लीमेंट होता है। तो ये अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे विद एग्जाम्पल्स एंड सॉल्व एग्जाम्पल्स के साथ, और साथ आपको होमवर्क भी देंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।